संवाददाता रंजीत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। रंजीत, इस वक्त आप कौन से शिवालय में मौजूद है और फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीर, कैसा नजारा नजर आ रहा है? जी उर्वशी, हम आपको बता दें कि रोसड़ा शहर से जो पुरानी एक गंडक नदी गुजर रही है, वहीं पे हम गंडक नदी किनारे में मौजूद है और गंडक नदी से मंदिर के पास उपस्थित है। यहाँ के मंदिर की बहुत ही प्रसिद्ध है, लगभग 250 वर्ष पुराना यह मंदिर है और इस पूरे शहर का सबसे पुराना मंदिर है। इसे गंडकीनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ के लोग पहले सिमरिया जाते हैं और गंगा जल के लेकर आए। यहाँ पे काफी हमारे भक्त लोग यहाँ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा इस बाबा के बारे में क्या बताना चाहेंगे। बाबा का महिमा है, जो यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करके आता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। क्या बताएंगे बाबा, आप क्या बताएंगे इस बाबा के बारे में, क्या बताना चाहेंगे? पहले साल हम लोग जाते हैं सिमरिया से जल लेके चढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे और कई हमारे बाबा हैं जिन्होंने जल चढ़ाया है बाबा के, क्या बताएंगे आज सोमवारी के बारे में, क्या बताएंगे, क्या जाएंगे? आज हमने जल चढ़ाया, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम आपको उर्वशी बताएं कि यहाँ पे काफी लोगों का आना ही लगा हुआ है और हम अपने सहयोगी को बताएंगे कि खास करके यहाँ पे महिलाएं हैं और महिलाओं का बाबा से बहुत ही लगाव रहता है। महिलाएं जो है तो खास करके आप बाबा का जल चढ़ाने आए, क्या बताना चाहेंगे? क्या बताएंगे, बाबा का जल चढ़ाए, मन काम मन से आए, जल चढ़ाए, बस मन देखिए यहाँ जो भी भक्त हमारे मौजूद है कहते हैं कि बाबा की पूजा करने से मिलती है और सावन का यह जो महीना होता है बहुत ही बाबा के लिए प्रसिद्ध महीना होता है। इस पर्व के अवसर पर प्रत्येक समाज के जो व्यक्ति होते हैं बाबा का दर्शन करते हैं। अभी हम हमारे बाबा यहाँ उपस्थित हैं, हम अपने सहयोगी को बताना चाहेंगे कि बाबा का थोड़ा सा अगर हो सके तो दर्शन। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नेट संबंधी समस्या है और कुछ लोग यहाँ पे हैं और हमारे बाबा का दर्शन करके आ रहे हैं। हम उन सहयोगी को थोड़ा सा बताएंगे कि नेट की समस्या भले ही हो लेकिन बाबा का एक बार जरूर दर्शन हो जाए। हमारे भक्त लोग यहाँ पे काफी सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं और शहर का बहुत पुराना मंदिर है जिसके कारण यहाँ पे लोगों का दिन भर आना जाना लगा रहता है। क्या बताएंगे बाबा इस बाबा के बारे में? बाबा के बारे में क्या बताएंगे, बाबा इतना श्रद्धालु है, सब जब जल चढ़ाने के लिए आता है बाबा, पुराना बाबा। और क्या बोलेंगे? और देखिए, कई बाबा हमारे दूर से गंगा स्नान करके आए हैं, बाबा को जल चढ़ाएं, क्या बताना चाहेंगे बाबा? पूजा करके आ रहे हैं, पूजा करके आ रहे हैं, चमटिया से आए हैं जल लेकर बाबा गंगी स्नान के लिए। अच्छा, बाबा के बारे में क्या मन्नतें थी और क्या आपको पूरा हुआ है? यहाँ से कुछ कुछ मांगे हैं, पूरा हुआ है, आते हरे रंजीत, अगर संभव हो तो शिवालय का भी दर्शन कराए, वहाँ पर किस तरह से सजावट की गई है उसका नजारा भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप दिखलाएं। तो लगातार हमारे सहयोगी रोसड़ा सहयोगी रंजीत हमें तस्वीरें दिखला रहे थे और लोगों की कहीं ना कहीं आस्था जो है वो बढ़ती जा रही है। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और ऐसे में जो भक्तगण है वो भारी से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं शिव पर जलाभिषेक करने के लिए। कोई जल से जलाभिषेक कर रहा है तो कोई दूध से जलाभिषेक कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए रांची चलेंगे सीधे, जहां पर हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। संदीप, फिलहाल 8 बजने को है और फिलहाल मंदिर परिसर में कैसा नजारा नजर आ रहा है, कितनी भीड़ अभी फिलहाल नजर आ रही है? यदि पहाड़ी मंदिर की बात करें तो जो सुबह से भीड़ है वह अब तक जारी है और अब भी आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वे पूरी श्रद्धा के साथ यहां पहुंच रहे हैं और पहाड़ी बाबा में जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ ताता जो है श्रद्धालुओं का लगा हुआ है। सुबह से बारिश भी रांची में हो रही है, बारिश के बावजूद भी जो लोग हैं वे यहाँ पे पहुँच रहे हैं
और एक कह सकते हैं जो लोगों का आस्था है उस आस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं। और लगातार इस तरह का जो भीड़ होता है हर एक सोमवारी को यहाँ पे देखने को मिलता है। और पहाड़ी मंदिर की यदि खासियत की बात करें तो पहाड़ी जो भोले बाबा हैं वे पहाड़ पे अवस्थित हैं और लोगों को कम से कम 350 सीढ़ियां चढ़कर उनके दर्शन के लिए जाना पड़ता है पहाड़ पे। और यही वजह है कि जो संख्या है लोगों की वह काफी होती है यहाँ पे आने के लिए। और जो लगातार यहाँ पे पहुँचते हैं, चाहे झारखंड की बात करें या फिर अन्य जिलों से भी लोग पहुँचते हैं, देश भर से भी लोग यहाँ पे आते हैं और जो खासियत है पहाड़ी बाबा की उस खासियत को वे देखने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं आज सावन का दूसरी सोमवारी का दिन है और जो लोगों का आस्था है आप देख सकते हैं, जो भीड़ है उससे आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि अब भी जो भीड़ है वह लगातार जो बढ़ी रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह 4 बजे से ही कह सकते हैं पट जैसे खुलता है उसके बाद लोग यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं और लगातार जो सिलसिला है वह जारी है। लोग पहुँच रहे हैं, बाबा में जल अभिषेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी मनोकामना है उसे पूर्ण करने की बाबा के सामने फरियाद भी करते हैं।